डेरा मुराद जमाली सैलाब के नरे में आ गए। लुक्की में घर की छत गिरने से बच्चा जाबहक हो गया। बारिश और सैलाब के बाइस हरनाई का मुल्क भर से जमीनी रब्ता मुनकता हो गया। अमवात की तादाद 226 हो गई। तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद। अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। सेल्स टैक्स, टीवी टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मीटर का किराया, किराया सर्विस और न जाने क्या क्या बिजली के बिलों में आवाम से वसूल किया जा रहा है। कौन जमा कराएगा आप गरीब लोगों से? और जिम्मेवाला भी जीत ली है, जो भी आता है हमें सबक सिखा के चला जाता है। इस बार तो बिजली के बिल देखकर आवाम के औसान खता हो गए। रावलपिंडी के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी बिल उठाए, सड़कों पर निकल आए, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, हुकूमत पर फट पड़े। इसकी तनख्वाह 20,000 है, ये मुझे पूछा जवाब शरीफ, क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्री तो तुम्हारे हैं, हमारे गरीबों के घरों में 2-2 पक्के हैं, जिसका बिल 36,000 आया है। यार में सैलाबी पानी को आबादी की तरफ शिकाप लगाने पर गोट सरदार खान लाशारी के करीब सैकड़ों मुतासरीन का एहतजाज, बाईपास को एहतजाजन बंद कर दिया। कनकोट में बारिश का पानी ना निकालने पे मुतासरीन का इंडस हाईवे पे टायर जला के धरना, रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन का कहना था कि जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी पता नहीं कहाँ गुम है, हमारे घर बरसात के पानी से डूब गए हैं। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर के ऑफिस के सामने एहतजाज करना जुर्म बन गया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर हफीज अहमद सियाल के हुकुम पर कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा शाहनवाज हंगूर जो घनश्याम और दानिश परमार गिरफ्तार कर लिए गए। फसलें बाहर, सब कुछ पानी में डूब गया।